देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। महू के पिगडम्बर में सोसाइटी भवन के समीप रहने वाले महेंद्र सिंह पिता छतर सिंह गौतम ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए कहा कि उनके घर के समीप भवन का निवास मार्ग एवं कच्चा नाला है। कच्चे नाले के कारण इसमें दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। साथ ही इस नाले के कच्चे होने से इसके गंदे पानी का रिसाव पास में ही ट्यूबवेल में होने से इसमें गंदा एवं बदबूदार पानी निकलता है, जिसका उपयोग करने में लोग बीमार हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस कच्चे नाले को सार्वजनिक रूप से पक्का बनवाने के प्रयास किए गए, किंतु कतिपय लोगों ने दबाववश ऐसा नहीं होने दिया। इसके बाद मेरे द्वारा निजी खर्चे से इस कच्चे नाले की दीवार को पक्का बनाने का प्रयास किया गया, तो अर्जुन सिंह भाटी, कृष्णा भाटी, किशोर भाटी व अन्य ने मकान में तोड़फोड़ करते हुए मेरे आने जाने के मार्ग पर लकड़ी के कट्टे रखकर उसे बाधित कर मुझे एवं ग्राम वालों के आने जाने के रास्ते को बंद कर परेशान किया जा रहा है। मार्ग अवरुद्ध होने से सभी को परेशानी हो रही है, किंतु आरोपियों के राजनीतिक रसूख के चलते ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इसी के चलते पीड़ित ने आज कलेक्टर जन सुनवाई में शिकायत की तथा यहां से उसे ग्राम पंचायत CEO के पास भेजा गया तथा SDD मऊ से परमिशन जारी कराने की बात कही गई। आपके मैं ग्राम पिगडम्बर का निवासी हूं और ग्राम पिगडम्बर में मुझे 15x40 का प्लाट ग्राम पंचायत पिगडम्बर के द्वारा दाखिला दिया गया था, जिसकी मैं मकान बना चुका हूँ और मेरे मकान के जस्ट सामने कच्चा नाला है, जो कि सार्वजनिक कच्चा नाला है, आबादी क्षेत्र के बीच में से निकला हुआ है। तो चूंकि आबादी के क्षेत्र में दोनों साइड में रहने वाले व्यक्ति उस पर मुख्य मार्ग तक आने जाने के लिए पुलिया बना के आने जाने के रास्ते के रूप में उसका उपयोग करते हैं, और चूंकि ये नाला 20 से 25 सालों से कच्चा पड़ा हुआ है, तो मैं स्वयं इसका खर्च करके उसको बनाना चाहता हूँ। तो इसमें ग्राम पंचायत पिगडम्बर के सचिव और ग्राम पंचायत के सरपंच मुझे इस चीज़ को इसको बनाने से मना कर रहे हैं, और मैंने उनसे जब पूछा गया कि इसकी मुझे अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपकी शिकायत है, तो मैंने ये भी कहा कि आप मुझे जिसने भी शिकायत की उस व्यक्ति का मुझे पेपर दीजिए और लिखित में मुझे बताइए, तो उन्होंने इस तरीके से मुझे अनुमति नहीं दी गई है, जबकि मुझे एडिशनल कलेक्टर साहब बेडेकर सर ने अनुमति देने के लिए कहा था कि आप जाइए और महू जनपद CEO से मिलिए, वो आपको इसके संबंध में परमिशन जारी करवाएंगे, लेकिन वहाँ से आज तक कोई परमिशन नहीं मिली है और बारिश आने वाली है, इस दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान होगा या कुछ होगा तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। और जिला पंचायत के कौन सा पंचायत में मैं आज आया हूँ, मुझे वंदना शर्मा मैडम ने के पास बेडेकर साहब ने भेजा है कि आप जाइए और वहाँ से परमिशन के लिए आप कहिए। आप